नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप व्यूज लाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। और दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो, मैंने सोचा चलो इसमें एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, सर आपने दो वीडियो बना चुके हो मोरेटोरियम के बारे में कि ये मिलेगा, पर अभी तक मिला नहीं है। आप वीडियो क्या गलत बनाते हो, कैसे बनाते हो? हालांकि अगर आपने वो वीडियो मेरा ध्यान से देखा है तो मैंने उस वीडियो में भी ये बात बताई है जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि गवर्नमेंट कब इससे डिक्लेरेशन करेगी। देखिए, आरबीआई जब पहली बार मॉरेटोरियम हुआ था तो आरबीआई ने डिक्लेयर किया था बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके न्यूज़ पे आके। अभी क्या है कि जो मॉरेटोरियम है इसके लिए ऑलरेडी जो पिछले हफ्ते ही से ऑलरेडी 8-9 दिन हो गए हैं कि हर बैंक में सर्कुलर चला गया है आरबीआई की साइड से। उन्होंने बोला है कि अगर आपको मॉरेटोरियम अपने कस्टमर्स को देना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपके एलिजिबिलिटी देखिए, उनका अकाउंट देखिए, और अगर उनको सच में नीड है तो उनको मॉरेटोरियम दे सकते हो। ये बैंकों पे छोड़ दिया है। इस पर कोई भी अभी गवर्नमेंट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव आके बताने का कोई भी डिसाइजन नहीं किया है, सब बैंकों पे छोड़ दिया है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको लगता होगा कि ये वीडियो जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसका बेस क्या होता है। देखिए, बहुत सारे आपको फाइनेंस इंडस्ट्री के यूट्यूब में मिल जाएंगे चैनल्स, बट मैं खुद ऑलरेडी एक फाइनेंस इंडस्ट्री से, बैंक से काफ़ी सालों जुड़ा रहा, ऑलमोस्ट 8 से 9 साल तक जुड़ा रहा, तो मैं आपको जो जानकारी दे सकता हूँ शायद आपको वो जानकारी कहीं नहीं मिलती है। दूसरा, मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो मेरा है कि मैं आपको सच जानकारी दूँ, जो अपना नॉलेज है मैं बांट सकूँ, जिससे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो जनता है, वो सही रास्ते में जाए। इसीलिए मैंने मोनेटाइज नहीं किया अपना चैनल, थ्रेशोल्ड पार होने के बाद भी मुझे कोई पैसों का लालच नहीं है। तो गाइस, अभी आते मुद्दे पे। जो आपका मॉरेटोरियम है, ये डिसीजन हमेशा होता है बैंक का। इसमें आरबीआई से उनको सजेस्ट कर सकती है, एक आइडिया दे सकती है मॉरेटोरियम देना है या नहीं देना है, वो बैंक या एनबीएफसी या एचएफसी के हाथ में होता है। ये शायद बहुत सारे लोगों ने मॉरेटोरियम अभी ये लॉकडाउन में सुना होगा। मैं बता देता हूँ बहुत सारे सरकारी बैंक क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि भाई ऑडिट होने वाला है और उनके बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो एनपीए की ओर जा रहे हैं, लोन नहीं भर पा रहे हैं, तो वो कस्टमर से बात करके, भाई उनका बैंक का नाम खराब ना हो, उनकी ब्रांच का नाम खराब ना हो, तो वो उनको ऑटोमेटिक मॉरेटोरियम दे देते हैं। यानी भाई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है इसलिए उसने मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई कर दिया है, वो उसका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा भर देगा। तो जो मॉरेटोरियम है ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है और बहुत सारे नेशनलाइज बैंक इनको रेगुलर वे में अप्लाई करते आ रहे हैं। आप लोगों को उससे लगता है कि अभी लॉकडाउन में मॉरेटोरियम ज़्यादा वीडियोस बन गए, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी मिली, तो ये कुछ नया नहीं है, बहुत सालों से होता आ रहा है और यूजली होता रहता है। ऐसा नहीं होता है आपातकालीन कंडीशन आए, इमरजेंसी कंडीशन आए तो ही हो रहा है। तो गाइज, अभी होने वाला क्या, यदि आपको मॉरेटोरियम चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक को लिखित रिक्वेस्ट देनी है। जी हाँ, आपको अपने बैंक को लिखित रिक्वेस्ट देनी है कि भाई 3 महीने का मॉरेटोरियम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, हमें 1 महीने या 2 महीने का या 3 महीने का मॉरेटोरियम और चाहिए। उसमें आप रीज़न लिखिए, मेरी शॉप बंद है या मेरी जॉब नहीं है या मेरी सैलरी आधी आ रही है या मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम, आप जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बता के करिए। और बैंक को आप एक ट्वीट भी कर सकते हैं या उनको मेल भी कर सकते हैं, उनको आप एक विजिट भी कर सकते हैं लोकल ब्रांच में मैनेजर से मिलके। तो यदि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो 100% बैंक को डिसाइड किया गया है कि उनको आपको मॉरेटोरियम देंगे। अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हर एक जो बैंक होता है, यानी हर एक बैंक की जो ब्रांच होती है, उनका ये थ्रेशोल्ड होता है, उनका लिमिट होता है कि हम 35% तक मॉरेटोरियम दे सकते हैं। यानी 35%, यानी 100 कस्टमर हैं तो 35 तक को मॉरेटोरियम हम दे सकते हैं, वो चाहे 3 महीने का हो चाहे 6 महीने का, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी एवरेज एक निकाला गया है, एवरेज में ये है कि अभी जो मॉरेटोरियम गया है पैन इंडिया, सारी हम प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, एनबीएफसी को निकाल दें, तो जो मॉरेटोरियम है ये सिर्फ अभी 20 से 22% का है। यानी अभी 13% तक और मॉरेटोरियम हर एक ब्रांच बैंक दे सकती है, तो पूरे चांसेस हैं कि आपका जो मॉरेटोरियम है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मॉरेटोरियम चाहिए, ये वीडियो मैं फिर स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ जिनको जो बार बार क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये कब इसका अनाउंसमेंट होगा, तो आपको कोई अनाउंसमेंट का वेट नहीं करना है। आपको सीधे एक एप्लीकेशन लिखनी है, अपने बैंक में जाना है, या नहीं जा सकते हैं, दूर है तो मत निकलिए, कोई बात नहीं, उनको आप मेल करो, उनको आप ट्वीट कर दो, उनको कोशिश करिए कॉन्टैक्ट करने का उनकी ब्रांच को कॉल करके। तो एक ये तरीका होता है, वो आप डिटेल एप्लीकेशन दोगे तो आपको मॉरेटोरियम की जो छूट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो गाइस, मुझे लगा ये एक स्पेशल वीडियो बना देता हूँ आपको, काफ़ी कामदार होगा। आपको लगता है वीडियो में काम की बात है और ये दूसरों के लिए काम हो सकता है तो उसको शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, पहले बोल चुका हूँ। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।